टेस्ट सीरीज परे दिल भी जीतिले। गाबारे गिल को शुभारंभ परे पाद जमाइथिले पुजारा, पंत करिथिले कंगारू टीम रो सबु प्लान को पंड। सिराज, सार्दुल, साइनी को सह वाशिंगटन और नटराजन को जबरदस्त प्रदर्शन। टेस्ट जितिबा सह लगातार तृतीय थर पाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को निज कब्जा को नेइछि टीम इंडिया। ऐतिहासिक विजय सह गर्व करिवार मुहूर्त मेलबर्न थिला रेकर्ड भांगीबार दिन। कंगारू टीम को निज देश रे धूली चटाइले। टार्गेट बड़ थिला, सबु किछि सहज नथिला, अभिज्ञता नथिला, किंतु जोश आउ दक्षता देखाइतिला टीम इंडिया रो यंग ब्रिगेड। 1988 माने 33 वर्ष परे गाबा ग्राउंड रे पराजयर मुह देखिला कंगारू दल। वेस्टइंडीज परे 70 वर्ष रे भारतीय टीम को मिलिछि एही सफलता। इस जीत से ज्यादा खुशी ये है कि भारतीय टीम में लगभग आधे से ज्यादा जो रेगुलर प्लेयर थे वह या तो चोटिल थे, इंजर्ड थे, या फिर जैसे कप्तान विराट कोहली टीम के साथ में नहीं थे। उसके बावजूद ये जज्बा इन नौजवान बच्चों का जिस तरीके से ये खेले दिखाते हैं कि भारतीय क्रिकेट सुरक्षित है और भविष्य में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे बन करके तैयार हो रहे हैं। ये मानना पड़ेगा अब कि ऑस्ट्रेलिया वो ताकत नहीं है जो पहले थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के अंदर जो जज्बा देखने को मिलता है उसके सामने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पूरी टीम थी। ऑस्ट्रेलिया की हमारे पूरे बच्चे नहीं थे, हमारे जैसे जसप्रीत बुमराह हो या अश्विन हो या फिर उमेश यादव रहे हो या विराट कोहली अपना यहाँ पर नहीं खेल रहे थे। इन सबों के न होते हुए हमारी टीम ने जिस प्रकार का जज्बा दिखाई खाता है कि हमारे नौजवान बच्चे जो नए लड़के ये आए हैं, ये पौध जो है ये बहुत अच्छी। हमारे बीन भाई टीम इंडिया आज के मैच वाकई बहुत ही अच्छा था। हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया टीम को हरा के आए, जैसे कि बुमराह, सैनी और शमी इंजर्ड होने के बाद भी हम ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हराए और आगे जाके भी हम ऐसे मैचेस देखने को मिले और इंडिया को ऐसे ही जिताते रहे। आई लव इंडिया, इंडिया इंडिया विजय परे भारतीय टीम को प्रशंसार सुअ। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली प्रमुख ट्वीट करि ऐतिहासिक विजय को प्रशंसा करिछन्ति। बीसीसीआई टीम पाई 5 कोटी रो बोनस घोषणा करिछि। एहा सह ऑस्ट्रेलिया को हटाई टेस्ट रैंकिंग रे द्वितीय स्थान रे पहुंची टीम इंडिया। चतुर्थ इनिंग्स रे 328 रन कष्टसाध्य लक्ष्य को 3 विकेट बाकी थाई हासिल करिनेथिला भारत। टीम इंडिया पक्षरु सुमन गिल 91, पुजारा 56 और ऋषभ पंत अपराजित 99 रन धुआंधार पाली खेलिथिले। ब्यूरो इनपुट सह कलिंग श्री पंडा को रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।